हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियो पीपल। आज के इस वीडियो में हम वर्ब की पार्ट थ्री वीडियो कवर अप कर लेंगे। इसमें हम मेनली इम्पोर्टेंट टिप्स करने वाले हैं जो कि इंग्लिश, हमारी इंग्लिश इम्प्रूव करने में थोड़ी तो हेल्प कर ही दे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टिप है कि हमारा जब भी कोई सेंटेंस के एंड में है आता है तो उसे इससे डिनोट करते हैं, जैसे कि यह एक पुस्तक है, दिस इज अ बुक। ठीक है, अब सेकंड टिप ये देता है ये कि है या हो, ठीक है, और कोई प्लूरल हो तो उसमें क्या हमारा यूज होगा, आर। जैसे कि ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक, तो आर यूज हुआ। नेक्स्ट है हमारा जब भी हूँ आता है, हमारा जब भी हूँ आएगा तो उसमें क्या होगा कि हम एम का यूज करेंगे, जैसे कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक। उसमें क्या है कि जब भी हमारे को क्वेश्चन होता है ना, तो हम सब्जेक्ट से पहले उस प्रश्न वाले वाक्य का यूज करते हैं या शब्द का यूज करते हैं, जैसे कि क्या वह एक बुरा लड़का है, इज ही अ बैड बॉय। तो हमने इस को आगे क्यों लाया, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना था। अब नेक्स्ट है हमारा जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब के साथ में नो या नोट लगाया जाता है, जैसे कि इस स्कूल में कोई भी लड़का नहीं है, देयर इज नो बॉय इन दिस स्कूल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है कि जब भी हमारा प्रेजेंट वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस को कहते हैं, जब भी हमारा प्रेजेंट टेंस होता है ना, उसमें ही शी इट और दिस और दैट, इनके साथ क्या होता हैज यूज होता है। जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें हमारा हैज है, वैसे तो उसमें भी यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी, बट उसके साथ बीन लगता है, लेकिन ये सिंगल तब होते हैं जब परफेक्ट टेंस होता है, तो इसलिए ही शी इट के साथ हैज आएगा। जैसे एग्जाम्पल, उसके पास किताबें नहीं है, He has no books. Sorry, ये present के लिए तो use हो रहा है, but ये यहाँ पे अभी perfect के लिए use नहीं हो रहा, perfect tense के लिए नहीं, यहाँ पे mainly कि उस has का meaning है यहाँ पे कि उसके पास नहीं है ये चीज, ठीक है। ये अब you, I, we, they के साथ means plural के साथ हमारे plural means बहुवचन, बहुवचन के साथ हमारे have आता है, जैसे कि मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मतलब इसमें हमारे को क्या हमारे पास होने का, कि चाहे हमारे पास ये चीज है वो चीज है, तो ये चीज बताने के लिए है इसमें। अब हमारा है सेवन टिप, हमारे को ये देता है कि जो हमारी गा गे गी होता है तो उसको हम विल और शैल के साथ देते हैं, बट अब एडवांस इंग्लिश में हम शैल को मीन्स यूज नहीं करते हैं। शैल एक तरीके से गायब हो गया कि शैल अब यूज नहीं करते, सारी जगह विल, नहीं तो पहले आई और वी के साथ शैल का यूज होता था, अदरवाइज बाकी सब के साथ तो विल का यूज होता था। जो विल की जो हमारी ये देखो, शैल की पास्ट की फॉर्म होती है शुड, और जो विल की होती है वो वुड होती है, लेकिन जो शुड है उसका मीनिंग तो चाहिए होता है, इसलिए मेनली उसको शैल की भी जो मेन उसकी वो मानी जाए कि पास्ट की है, तो ये वुड मानते हैं हम, क्योंकि शैल मीन्स शुड मीन्स क्या होता है, वी शुड ऑब्बे आर पेरेंट्स, हमें आदर करना चाहिए अपने पेरेंट्स का, तो इसमें चाहिए जो है शुड की मीनिंग है, ठीक है, ना कि शैल। शैल जिस तरीके से गागेगी मैंने बताया, तो उसकी मीनिंग नहीं है। चाहे एग्जांपल देख लेते हैं, वी विल डू दिस वर्क, हम यह काम करेंगे, गे आ गया, वी शैल डू दिस वर्क, हम यह काम करेंगे। देखो दोनों में एक ही सिमिलैरिटी है, बट इसमें आई वी शैल डू दिस वर्क, मतलब इसमें पॉसिबिलिटीज होती है, और जो विल होता है वो कंफर्म के लिए होता है कि हाँ भाई ये कंफर्म्ड है, ये काम होकर ही रहेगा, ठीक है। हमारा लास्ट है कैन और मे, कैन और मे दोनों का मीनिंग तो सकना होता है, बट कैन मीन्स
जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, ही कैन डू दिस वर्क, वो ये काम कर सकता है। इसमें क्या है, उसकी क्षमता दिखा रहे हैं कि ये काम वो कर सकते हैं। और अगर हम मे वाले सेंटेंस का देखें, ही मे डू दिस वर्क, वो ये काम वह यह कार्य का यह कार्य कर सकता है, इसमें भी वही है लेकिन मे है, इसमें पॉसिबिलिटीज है, वो कंफर्म नहीं है, इसमें क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं दिखाई जा रही है इसके, इसमें उसका कि हाँ वो कर सकता है लेकिन उसकी क्षमता नहीं दिखाई जा रही ना कि वो डेफिनेटली करे ना करे। अब कुड और मे, सॉरी कैन को पास्ट में हम कुड प्रनाउंस करते हैं, मीन्स पास्ट फॉर्म होती है, और मे को माइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ब। हमने तीन पार्ट्स में पूरे वर्ब, वर्ब की टिप्स, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब, नेक्स्ट टॉपिक होएगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।